हाय दोस्तों, आज एडवांस एक्सेल में दूसरे चैप्टर पे जाने से पहले मुझे कुछ ट्रिक्स और ट्रिक्स दिखाना है जो कि सभी कंप्यूटर के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है। दोस्तों, आप में से कई लोगों को विंडो 10 में समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जहां आपको ज़रूरत नहीं है फिर भी कंप्यूटर शटडाउन करने पर विंडो 10 का अपडेट अपने आप शुरू हो जाता है। इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों, आपको स्ट्रेंज लगेगा लेकिन मैं आपको बताऊं, आपको आपके ही कंप्यूटर को थोड़ा मिसगाइड करना है और कुछ नहीं। कैसे, मैं बताता हूं आपको। इसलिए सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पर प्रेस करिए, ठीक है। उसके बाद सेटिंग्स में जाइए, उसके बाद नेटवर्क एंड इंटरनेट क्लिक करिए, उसके बाद वाईफाई पर क्लिक करिए यहाँ पे, उसके बाद मैनेज नॉन नेटवर्क पर क्लिक करिए। यहाँ वाईफाई नेटवर्क में प्रॉपर्टी में जाके इवन आपका कनेक्शन अनलिमिटेड प्लान है तो भी आप उसमें क्लिक कर दीजिए कि मीटर्ड कनेक्शन है मेरा, ठीक है, इसको ऑन कर दीजिए। अभी ये करने से कंप्यूटर ऐसा समझेगा कि ये कंप्यूटर में मीटर कनेक्शन है, इसलिए ऑटोमेटिक अपडेट हमको नहीं करना है, तो इससे आपका ऑटोमेटिक अपडेट अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल है दोस्तों। अभी जब आपको कभी भी अपडेट करना है तो कभी भी आप एक वीक में एक बार दो बार मैन्युअली अपडेट कर सकते हैं, ओके। अभी विंडोज़ में आप किसी भी प्रोग्राम के लिए शॉर्टकट असाइन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं कुछ एग्जांपल आपको बताता हूँ। हम जनरली हमेशा कैलकुलेटर का तो यूज़ करते ही है। जब हमारे पास कैलकुलेटर हमारे सामने पास नहीं होता है तो हम कंप्यूटर का कैलकुलेटर का प्रोग्राम यूज़ करते हैं। इसे यूज़ करने के लिए हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करके फिर एसेसरी पर जाके हम कैलकुलेटर का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, खाली कंट्रोल ऑल्टर प्लस ए ये बटन क्लिक करके आप कैलकुलेटर को कोई भी प्रोग्राम चालू रख के उसके टॉप पर लाके कंप्यूटर में आप यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेटर का आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे, मैं बताऊँ आपको। इस सर्च बॉक्स पे पहले CAC टाइप करें, कैलकुलेटर का CALC टाइप करें। जब आपको ये मिल जाए तो उसे राइट क्लिक करें और फिर प्रॉपर्टीज़ में जाए, शॉर्टकट की के सामने बस ए लिखिए। वहाँ अपने आप ए लिखेंगे तो अपने आप कंट्रोल प्लस ऑल्टर प्लस ए आ जाएगा। उसके बाद अप्लाई करें और ओके बटन क्लिक करें, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर का एक शॉर्टकट बन गया। अभी हम इसको यूज़ करके देखते हैं। मैं यहाँ कंट्रोल ऑल्टर प्लस ए बटन एक साथ दबा रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। अभी कोई भी प्रोग्राम में हमें वहाँ पर कहीं पर भी हम कंट्रोल प्लस ऑल्टर प्लस ए दबाएंगे तो तुरंत का तुरंत कैलकुलेटर अपने आप कोई भी प्रोग्राम के ऊपर वो अपने आप आ जाएगा। ये ट्रिक किसी भी प्रोग्राम के साथ हम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने स्क्रीनशॉट के लिए मैंने कंट्रोल प्लस ऑल्टर प्लस एल रखा है। देखिए, अगर मैं कंट्रोल प्लस ऑल्टर प्लस एल दबाता हूँ तो कभी भी कहीं पर भी स्नैपिंग टूल्स अपने आप डेस्कटॉप पे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी एक और चीज, कई लोग अपने कंप्यूटर को कई बार सीधा शटडाउन कर देते हैं, भले उसको 3-4 घंटे के बाद उसको फिर से उसी कंप्यूटर पे काम करना रहता है, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे है कि सीधा शटडाउन कर देते हैं कंप्यूटर को। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में हम शटडाउन के स्थान पे विंडो का हाइबरनेट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, ये आपको जब कंप्यूटर में हाइबरनेट करेंगे तो आपका काम लास्ट जो सेव्ड पोजीशन है वहीं से आप अपना काम नए सिरे से स्टार्ट कर सकते हैं। और जब भी आप कंप्यूटर पावर ऑन करते हैं हाइबरनेट से तो आप रिस्टार्ट होने में कंप्यूटर को खाली 20% के आसपास ही टाइम लगेगा और आप वहीं से काम अपना स्टार्ट कर सकते हैं और जहां आपने काम छोड़ा था लास्ट में, ठीक है। तो ये हाइबरनेट ऑप्शन है, जब भी आप शटडाउन करें उसके बदले ये हाइबरनेट ऑप्शन का यूज करें, फिर आप जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट करते ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब हम दोस्तों एक डेस्कटॉप मैनेजमेंट देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे डेस्कटॉप पे आइकॉन जो जितने भी सारे हैं वो कुछ कुछ कोई फैंस के अंदर है, यानी कि आप
आइकॉन डेस्कटॉप में भी कई सारे फैंसी साथ देख सकते हैं। ये मैं बता दूँ, ये एक फैंस करके एक प्रोग्राम है, FENCE, जो 1.01 वर्जन है वो फ्री है, वो आप विंडो में डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। खास बात, ये विंडो 10 के लिए ये प्रोग्राम नहीं है, खाली विंडो 8 तक ही काम करेगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि फैंस का यूज़ कैसे करते हैं। फैंस आप एक बार डाउनलोड कर ले, उसके बाद आप डेस्कटॉप पे जाके सीधा आपके ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग फैंस को अलग अलग नाम दे सकते हैं, और अलग अलग फैंस आप क्रिएट कर सकते हैं और उसको अपने हिसाब से चेंज करते जा सकते हैं। और जो भी आपका आइकन से है, जिसको 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 आपको जिस फैंस में ऐड करना है वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप बना सकते हैं, मैं यहाँ आपको कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों, आज फिर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देख लेते हैं साथ साथ में। यहाँ मैं आपको एक एक्सेल का शीट में एक एंट्री करके बताता हूँ। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ एक डेट डाला है और ये डेट ऑटोमेटिकली पूरा सेंटेंस में अपने आप वो एडजस्ट हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ आपको एक सेल में एक इक्वेशन इंसर्ट करना है ऐसे, ठीक है। ये पूरा इक्वेशन है, इसलिए जब आप यहाँ एक डेट एंटर करेंगे इस सेल में, तो यहाँ पूरी तरह से नीचे इक्वेशन जो दिया है वहाँ पे ऐसा लिख जाएगा इस तरह से। तो ये हमको कहाँ काम में आता है, हमारे सर्वेयर्स दोस्तों को इस हिसाब से काम आता है कि जहाँ पे भी पॉलिसी का स्टार्ट डेट एंटर करे, उसके बाद एंड डेट अपने आप आ जाएगा 1 साल के बाद, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हम एक्सेल लर्निंग पर और वीडियोस के साथ कुछ दिनों में मिलेंगे। मेरे चैनल पर नए वीडियोस से अपडेट होने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये बेल का जो आइकन है वो आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो तुरंत आपके पास वो पहुँच जाए। ओके, बाय दोस्तों।